हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने नए वीडियो में। दोस्तों ये दिख रहा होगा, मैं अभी खेत पे आया था घूमने, क्योंकि खेत अभी बबे हुए नहीं है, बहुत ही लेट है। इस बार बारिश बहुत हुई थी, इस चक्कर में खेत बहुत ही लेट है, तो मैं खेतों पर आया था। अभी ये दिख रहा होगा खेत में भी कुछ बबा हुआ नहीं है, अभी थोड़ा गीला है, ये थोड़ा सूख जाएगा तो इसको बोया जाएगा। अभी बहुत लेट है। खेत वैसे दिवाली के पहले बो दिए जाते थे, जिसमें गेहूं बोया जाता था। इस टाइम अभी कुछ बोया नहीं गया, अभी कुछ नहीं लगाया गया खेतों में। खेत सभी ऐसे ही, सभी के खेत ख़राब पड़े हुए हैं, लेकिन सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ये हमारे अंकल जी लगे हुए हैं काम पे, वो देखिए फावड़ा लिए, वहाँ भी हम चलेंगे। बाकी देखो ये हमारा खेत है, उसके साइड वाला भी हमारा खेत है, ये भी अपना ही खेत है भाई। और बाकी यहाँ पहले बहुत पेड़ हुआ करते थे, आपको दिख रहा होगा। ये जो ये भी अपना ही जगह है, कुआ हुआ बगना है, जहाँ पहले मेरे दादी बाबा आते थे, यहीं पे वो खाना वाना बनाते थे बढ़िया से, यहीं सब कुछ करते थे, खाना बनाना रहना, बहुत मज़ा आता था छोटे थे। यहाँ पर कम से कम पेड़ों की संख्या कम से कम 10-10, 20-20, 30-30 पेड़ थे, पूरा बाग था। समय के साथ, आंधी तूफान के साथ ये सभी पेड़ गिर गए हैं, जो बचे हैं वही है। ये देखो दिख रहा होगा आपको पेड़, ये वाला छोटा वाला वो नीम का है, और ये जो पेड़ है वो आम का है, ये अपना ही पेड़ है। ये जो आम वाला, अभी भी इसमें आम लगते हैं। बाकी ये दिख रहा होगा, ये स्थान है हमारे सैयद बाबा का स्थान है, जहाँ पर हम सभी लोग आते हैं। कुआ भी है अभी इस पर, अभी भी अभी बनाया गया है इसको, कुआ है यहाँ पर, जहाँ पानी की सुविधा बहुत ही पास में है। बहुत ही छोटा कुआ है, लेकिन पानी बहुत ही शानदार है इसका, ठंडा पानी। फ्रिज फैल है इसके आगे, मतलब फ्रिज का कोई स्वाद नहीं होता जो स्वाद इस पानी में है। तो हम आपको दिखाते हैं पानी भर के क्या सिस्टम है पानी का, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आओ, आराम से लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है खेतों में आकर, बहुत सुकून मिलता है। इसलिए मैं घर पे था, मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने कहा खेत पर जाते हैं एकांत की ओर, जहाँ पर सुकून देखते हैं। और बाकी देखो ये ट्रैक्टर चल रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, ये हमारे दोस्त ही हैं, अंकल जी हैं एक और, उनका भी ट्रैक्टर है ये, वो अभी काम में लगे हैं, स्टार्ट कर दिया है बुआई का काम। बाकी देखो मैं कुएं पर पानी भर के दिखाता हूँ, कुएं का कितना, छोटी सी बाल्टी रखी होगी कुएं पर, हम लोगों ने सामने रखी है मिलके। बाकी देखते हैं, ये देखो यहाँ पर सब लोगों ने पार्टी की थी, पत्तल वगैरह रखी है। ये देखिए हम दिखाते हैं आपको पानी, देखिए पानी भरा जा रहा है हमारा यहाँ पे, देखिए मामा जी हमारे, देखिए ये देखिए बहुत ही बेहतरीन पानी, देखिए कितनी छोटी सी बाल्टी है, पानी बहुत ही ठंडा होता है इसका, देखिए साफ पानी है। ये देखो कुआ दिखाते हैं, ये बहुत ही अच्छा स्थान है, ये खेत अपना ही है। अभी इसको पी लेते हैं, पानी पीते हैं फिर बताते हैं, दिखाते हैं एक भैंस, देखिए इतनी सारी भैंसें एक साथ। देखिए 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 देखिए, और खेत पर हमारे अंकल जी देखो मेहनत कर रहे हैं बहुत। आज हम खेत पे आए थे क्योंकि इस समय पानी बहुत बरसा है इस साल, तो खेतों में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो सब लोग अभी खेतों पर लगे हुए हैं ताकि खेतों में इस बार कुछ हो जाए। क्योंकि जब खेतों में गेहूं बोते थे तो दिवाली के पहले ही हो जाता था ये सब, तो इस बार क्या हुआ, इतना पानी बरसा है खेतों में कि पानी अभी तक ही गीले हैं खेत, इससे बुवाई नहीं हो पाई है। तो अब उसका काम शुरू हो रहा है क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया है। तो अभी हम खेत पर आए थे, हमारे अंकल जी भी लगे हुए हैं, ये बहुत ही मेहनती हैं हमारे अंकल जी, इनको हम आपसे बात करवाते हैं। इतने मेहनती हैं ये, मतलब दो दो मजदूरों का काम अकेले कर लेते हैं, एक लगन है इनमें, अकेले आते हैं, अकेले ही काम करते हैं, तो वो भी मैं दिखाता हूँ उन्हें। ये देखिए हमारे अंकल जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, देखिए यहाँ से लेकर आपको दिख रहा होगा कितनी मेहनत से इन्होंने, ये देखो गहरी पूरी वहाँ तक खोदी है, देखो वहाँ तक, ये पूरे अपने ही खेत हैं, ये वहाँ आगे वाला, उसके आगे वाला भी सब अपने ही खेत हैं, देखिए। तो अंकल जी आप किसानी में क्यों लगे रहते हैं ये बताइए, आप पढ़े बहुत हैं, खेत से थोड़ा लगाव है इसके लिए। हाँ देखिए ना, खेतों से बहुत लगाव है, ये हमेशा देखो मेहनत करते रहते, कभी खाली नहीं बैठते ये, देखिए आप कितना और किसानी तो करनी पड़ेगी, क्या करेंगे, खेती किसानी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। सही, तो इस बार खेत में क्या है, मतलब कुछ नहीं, इन साल पानी की वजह से सब खेत खाली पड़े हैं, अब जो गेहूं की वो भी बावनी होगी, उसी में जो कुछ होगा ऊपर वाला देगा वही सब होगा, और क्या।
तो मेहनत बहुत करते हैं, आउबाबा जरूर देगा आपको। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या। अच्छा, तो आप कितने दिन से अभी कंटिन्यू लगे हैं खोदने में, कितने दिन से खोद रहे हैं? 3 दिन हो गए। तो कितना और बचा है? थोड़ा और बचा है बस। कहाँ तक? आज हो जाएगा पूरा वो सामने तक। अच्छा जी, तो ये तो 2-2, 3 दिन मजदूर काम करते हैं, तुम अकेले कर रहे हो। अब मजदूर नहीं है तो क्या करें, मजदूरों को देंगे तो फिर बचेगा क्या। ये भी बात सही है, काफ़ी मेहनती हैं आप। मेहनत तो करनी ही पड़। सही बात। देखिए इनका फोरा, अब हम भी थोड़ा इनके साथ हाथ लगाएंगे कि हम भी कुछ कोशिश कर लें, थोड़ा थोड़ा बहुत खेत में थोड़ा काम कर लें अंकल के साथ सहयोग। तो देखिए बहुत ही मेहनत का काम है, वैसे हमें नहीं लगता कि हम 2 दिन भी 3 दिन भी किसानी कभी कर पाएंगे। फिर एक दिन में ही हम देखो हाफने लगे, पर अंकल जी हमारे 10 दिन से लगे हुए, बहुत ही मेहनत है बहुत। देखिए 2-2 घंटे फोरा चलाना भाई, बहुत मेहनत। देखिए पूरे गंदे हो गए, लेकिन भाई हम पे नहीं होगा, हाँ इतना ही हुआ भाई। ये खड़ी है गाड़ी, हम लोग जा रहे हैं घर को। ये हमारे अंकल जी की खड़ी है, ये हमारी खड़ी है, मामा हमारे साथ में है, इसी से चलने वाले हैं। ठीक, अब हम इस बाइक स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग चलने वाले हैं घर को। तब तक जय हिंद।